आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया, द न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खबरें। उत्तर प्रदेश में आज उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9 प्रत्याशी इस दौरान मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर विधानसभा सीट, यहां पर सभी की साख दांव पर लगी हुई है। उपचुनाव लगभग 7 बजे शुरू हो गया है। यहां पर करीब 4 लाख मतदाता 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अशोक कुमार चंदेल के सजा होने के चलते ये सीट खाली हुई थी। उन्हें 22 साल पुराने हत्या के मामले में सजा हुई है, जिसके चलते हमीरपुर की ये सीट खाली हुई है और अब यहाँ मतदान हो रहा है, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर हमीरपुर से 9 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो कि इस वक्त कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि मतदान जारी है और जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसी दिन पता चलेगा कि विजेता कौन बनेगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, जो कि विधानसभा उपचुनाव के लिए। वहीं आपको बता दें कि 27 तारीख को इस सीट को लेकर रिजल्ट नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। कौन विजेता बनेगा ये सब कुछ 27 तारीख को पता चल जाएगा, यानी 27 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा।